केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में उनको झटका लगा है। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया। उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा यह मसला है जिस पर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए इसे स्वीकार कर लिया है। स्मृति ईरानी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने 28 अगस्त को सुनवाई के लिए इस याचिका को तय किया है। सुनवाई के लिए इस याचिका को स्वीकार करने का ही मतलब स्मृति ईरानी के लिए एक बड़ा झटका है। स्मृति ईरानी लगातार इस मसले पर बच रही थी लेकिन कोर्ट में यह याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब तक आम आदमी पार्टी जितेंद्र तोमर केस में बैकफुट पर जाने पर लगातार यही कहती रही थी कि स्मृति ईरानी के मामले में कुछ भी नहीं हुआ है अब तक, लिहाजा अब यह कोर्ट ने इस बार सुनवाई के लिए इस याचिका को स्वीकार किया है। डिग्री केस में स्मृति ईरानी को एक झटका लगा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी है और उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा मसला है। संवाददाता आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, कोर्ट ने क्या कहा और अब क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी का रोक या उनके वकीलों का रोक? ने आज मेंटिबिलिटी पे ऑर्डर था कि क्या जो शिकायत दर्ज कराई गई थी स्मृति ईरानी के खिलाफ कि उन्होंने तीन अलग अलग हलफनामों में अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी दी थी। पहला 2004 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दूसरा 2011 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था और तीसरा 2014 में। दरअसल 2004 का जो मामला था उसमें स्मृति ईरानी ने बीए पार्ट वन कहा था, 2011 में बीकॉम कहा था, 2004 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दूसरा 2011 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था और तीसरा 2014 में। दरअसल 2004 का जो मामला था उसमें स्मृति ईरानी ने बीए पार्ट वन कहा था, 2011 में बीकॉम कहा था और 2014 वाले में भी बीकॉम पार्ट वन कहा था। इसी को आधार बनाकर एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी और शिकायत दर्ज कराई गई थी पटियाला हाउस कोर्ट में। एक अर्जी भी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि स्मृति ईरानी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछली सुनवाई में अदालत ने साफ तौर पर कहा कि हम आज डिसीजन इस आधार पर सुनाएंगे कि क्या ये याचिका सुनने योग्य है या नहीं और क्या ये सही समय के हिसाब से दाखिल की गई थी कि नहीं। कोर्ट ने आज माना कि याचिका सुनने योग्य है और सही टाइम फ्रेम के हिसाब से दाखिल की गई है। अब इस पूरे मामले में सुनवाई 28 अगस्त को होगी फर्दर एविडेंस के रिगार्डिंग। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने माना कि ये याचिका सुनवाई के योग्य है, सुनवाई के लायक है, इसमें वो तमाम तथ्य हैं जिनको सुनवाई जिनकी की जा सकती है।